नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए वाजपेयी सर, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सर, हमारे एक दर्शक है, उनका स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, तो क्या उनका कैश का बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, चलता रहता ट्रांजेक्शन, तो अभी कैसा है कि उनको कुछ उनके किसी क्लाइंट ने एक कुछ पैसे का ट्रांजेक्शन किया, तो उसमें एक नोट उनको कुछ 500 रुपीज का नकली मिला। तो अब उनका बोलना ऐसा है कि ये नकली नोट का मैं करूँ क्या, ये मेरा तो नुकसान हो गया। ठीक है, मेरा क्लाइंट, मैं उनको पहचानता हूँ, उनके क्लाइंट है, लेकिन फिर भी मैं नकली नोट का कुछ कर सकता हूँ क्या? देखिए, जब भी आपके अभी उन्होंने तो नोट छापा नहीं होगा निश्चित रूप से। अब वो नोट अगर उनके पास में आए तो या तो वो जा करके पुलिस में बता दे, और पुलिस जो है छानबीन करेगी कि उनके पास में जिसने दिया है उसके पास छानबीन करेगी, वो फिर आगे की चेन में उनको किसने दिया वो ऐसा करके वो चेन पकड़ी जा सकती है। पहली बात तो ये कि जो भी ये नकली नोटों का व्यापार कर रहा है, जो भी ये वो प्रिंटर प्रिंटिंग मशीन तक पहुंच सकती है पुलिस, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अच्छा, किया जाए। जहां तक क्लाइंट का सवाल है, अभी इन्होंने कहा कि हमारे क्लाइंट हैं, हम उनको पहचानते हैं, तो भैया उनको बता दीजिए कि आपने जो 500 रुपये का नोट दिया है, या तो आप इसको हमें एक्सचेंज करके दे दीजिए असली से, ठीक है, और बात को बढ़ाइए मत। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप चाहें तो उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन वो क्लाइंट को जिसने दिया है उसके पास अगर पुलिस पहुंचती है तो वो उनको बताना पड़ेगा कि उनके पास वो नोट कहाँ से आया, फिर वो अगले पास में उसके पास कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये इनके ऑप्शन है, आम आदमी नहीं जाना चाहेगा, ये तो गलत है, ये सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि इस तरह के नकली नोटों की जो परंपरा चल रही है, काफी कुछ हो रहा है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन अब ये इनके ऊपर है कि इनको कहाँ तक एक्शन लेना है, क्या करना है। नहीं सर, मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप एक्शन लीजिए। हाँ, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी हो और हमारा अर्थव्यवस्था इससे डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप सामान्य आदमी हो, आप नहीं जाना चाहते हो, तो ये तो हर एक आदमी ऐसा बोलेगा तो चलेगा। इस तरह से फिर आप अगर देश के नागरिक हो तो आपकी ड्यूटी बनती है, पैरामाउंट ड्यूटी बनती है कि आप उसको आगे पुलिस में बताइए ऐसा कर सकते हैं, वो इम्पाउंड करेगी, उसके बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, फिर आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा सर, आप इन डेप्थ जाइए, देखिए आप पूरी तरह से, आप सहयोग करिए, तो गहराई तक जाएगी पुलिस। और ये सब चीज में पीछे नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के नागरिक हैं हम, जागरूक नागरिक हैं हम। सर, अगला प्रश्न ऐसा है, हमारे एक दर्शक है, उनका बोलना ऐसा है कि मेरे घर पे लैंडलाइन है, तो कुछ महीनों से मेरा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मुझे ऐसा डाउट है कि कोई तो मेरा फोन मिसयूज कर रहा है, या कोई मेरा लाइन चोरी करके फोन उन पे बात कर रहा है। तो सर, मैं अभी इसमें क्या करूं, मैं इसमें एफआईआर कर सकता हूं क्या, क्योंकि मेरा यूजेस ज्यादा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये लैंडलाइन टेलीफोन जिसके पास है, अगर उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके घर में और तो कोई नहीं मिसयूज कर रहा है, और अगर ये कोई ज्यादा बात कर रहा है या कुछ ऐसी बात है, अगर ऐसा इनको पूरी तरह से इनको स्पष्ट रूप से मालूम है कि भाई जानबूझ करके इन्फ्लेटेड बिल हमको आ रहा है, तो वो ये कर सकते हैं कि जो कंपनी है, जैसे टेलीकॉम कंपनी जो भी है, जो जिनकी लाइन लगी है उनके यहाँ, रिलायंस है या MTNL है या BSNL है, तो वो पहले वहाँ पे उनको कंप्लेंट करें, भाई ऐसा ऐसा है, तो आप इसको ज़रा आप चेक करिए, तो मालूम पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो फिर उनको बोल दिया भाई हमको सिर्फ इनकमिंग कॉल का प्लान दे दो, ठीक है ना। लेकिन अब तो मोबाइल टेलीफोन ही आ गई है, तो ऐसा तो मोस्टली अभी ज़्यादा करके लोग लैंडलाइन का आउटवर्ड कॉल के लिए ज़्यादा करके इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद लैंडलाइन होना भी कभी कभी जरूरत है। कोई दूर दराज का आदमी है, उसके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है, या उसके पास में मोबाइल की ऐसा सुविधा नहीं है, तो वो रखते हैं, तो आप जो आपका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको आप कंप्लेंट करिए, और उसके बाद में भी नहीं होता है तो आप पुलिस कंप्लेंट निश्चित रूप से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इनकी समस्या का निराकरण होगा, लेकिन ये इसमें
कानूनी सलाह का कोई स्कोप तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये है कि भाई एक सिंपल सी बात है जो आप एक एडवाइस दिया आपने। हाँ भैया ठीक है, सोशल सामाजिक कार्य है, हम लोग तो सोशल काम ही कर रहे हैं, आप भी सोशल ही कर रहे हो काम। सर अगला प्रश्न है, हमारे एक दर्शक है अनिल अग्रवाल, काशी में रहते हैं, उनका पूछना ऐसा है कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा है और वो उस मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, उस प्रॉपर्टी में मेरे जिसने मेरे साथ जिससे मैंने खरीदा उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मैंने सिविल केस उनके ऊपर फाइल किया हुआ, तो ये सिविल को मैं क्रिमिनल में बदल सकता हूँ क्या? नहीं, प्रॉपर्टी फ्रॉड हुआ है अगर प्रॉपर्टी के बारे में, तो सिविल तो खैर है ही है और क्रिमिनल केस दोनों ही पैरेलल चल सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी सिविल केस किया है उनके ऊपर, सिविल केस किया है तो क्रिमिनल भी कर सकते हैं और कोई भी इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, देयर इज नो प्रोहिबिशन फॉर फाइलिंग क्रिमिनल कंप्लेंट आल्सो। हाँ, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है अगर सिविल कॉन्ट्रैक्ट कोई है और उसके अंदर अगर कुछ ऐसा हुआ है तो देखना पड़ेगा उनका करार किस प्रकार का है, किस तरह का उसमें फ्रॉड हुआ है, उसके अंदर गहराई से अध्ययन करने के बाद ही हम बता सकते हैं। लेकिन मोटी बात है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटीज अपने अलहदा चल सकती हैं, अलग अलग चल सकती हैं और उसमें कोई बाधा नहीं है। सर आपका प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, आप प्रश्न जरा अच्छे से विस्तार से पूछे। अभी जितना प्रश्न जितना दिया आपने पूछा उतना उन्होंने जवाब दे दिया, और भी डेप्थ में जा सकते थे हम लोग, ठीक है। अगले टाइम अगर जरा प्रश्न आप विस्तार से पूछिए तो भी आपका प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, ऐसा आशा करते हैं। सर अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, हमारे एक दर्शक है, उनका उनका ऐसा बोलना है कि उनका कोई फ्रेंड है या दोस्त है 21 साल के हैं और उनका अफेयर किसी 16 साल की लड़की के साथ में चल रहा है। ठीक है, ठीक। तो उनका बोलना है कि अगर मेरे दोस्त ने या मेरे फ्रेंड ने वो लड़की के साथ में कुछ फिजिकल हुए तो उसमें कुछ कानूनी अड़चने आ सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकता है क्या? देखिए फिजिकल में फिजिकल तो बहुत तरह का फिजिकल होता है, आप हगिंग करते हो, एक दूसरे को लिपटा लेते हो, वो फिजिकल हो गया। दूसरा होता है फिजिकल इंटरकोर्स, जब आप इस तरह का कोई काम 16 साल की लड़की के साथ कर रहे हो तो आप पहली बात तो ये आप गुनाह कर रहे हो क्योंकि इट इज़ नॉट परमिटेड। इट कंसेंसुअल सेक्स के लिए भी 18 ईयर्स और 21 ईयर्स फॉर द गर्ल एंड 21 ईयर्स इज़ द मेल की एज मतलब हमारे कायदे के अंदर है, और अगर उससे कम की उम्र के साथ में करते हैं तो इन्हें बहुत सोच समझ करके ऐसा कदम उठा चाहिए, अदरवाइज ये इनको रेप के चार्जेस में ही में भी अरेस्टेड ऑल्सो। तो उनको जरा सलाह सोच समझ करके कदम उठाएं, 21 साल है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं है, लेकिन लड़की 16 साल की है तो उनको जरा सोच समझ करके कदम उठा चाहिए। ठीक है, प्यार होता है, प्रेम होता है और इसके इसमें कोई एज का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन जो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते जिस प्रकार के नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनका पालन करना भी आवश्यक है। तो इन्हें जो मेरी मैं तो इनको यही सलाह दूंगा कि आप फिजिकल मत जाइए, और अगर आप जाते हैं तो फिर वेट करिए 18 साल की उम्र तक। लेकिन माँ बाप अगर लड़की के उसके पहले उनको मालूम पड़ जाता है कि आपने ऐसा कोई काम किया है तो माँ बाप भी कंप्लेंट कर सकते हैं इनके ऊपर रेप का बलात्कार का चार्ज लग सकता है। वो उसको भले कंसेंसुअल हो लेकिन उसके बावजूद बलात्कार का चार्ज लग सकता है क्योंकि लड़की की उम्र माइनॉरिटी की नाबालिग है, वो 16 साल की है। ठीक है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि पहली बात तो ऐसा काम ना करें, और अगर करते हैं तो फिर उनको पहले उनके माँ बाप को भी ये देख लें कि माँ बाप की कंसेंट है कि नहीं। तो हालांकि ऐसे कामों में माँ बाप की कंसेंट कोई लेता नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि समझ बूझ के कदम उठाएं, वरना बड़े अभी कोई कैरियर नहीं बना है, 21 साल की उम्र में कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा ये इन्होंने दुनिया नहीं जीत ली है, तो इनको अपना कैरियर अपना भविष्य पहले देखना चाहिए और जहाँ तक हो सके ऐसे कामों में ना अपने आप को उलझाएं, जो कि क्या कहते हैं सिर मुड़ाए ओले पड़े वाला काम नहीं होना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि
इनको तो आपके मित्र बहुत यंग है और बहुत कम एज के, और आपको भी बोलूंगा कि हमारे दर्शक को भी बोलूंगा कि आप इस चीज के लिए बिल्कुल उसको एनकरेज नहीं करें, हाँ। और उनको समझाए कि ये ऐसा ना करें, कानून के खिलाफ है, हाँ। कानून के दायरे में रह के, हाँ। थोड़े दिन वेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। फिर बाद में आप जब एक अपनी मेजोरिटी एज हो जाती है, हाँ। तो आप शादी ब्याह करो, फिजिकल, हाँ। रहो, जैसा रहना है वैसा रह सकते हो। 21 साल एज बहुत कम है साहब, तो अभी इसके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, इसको बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में, क्योंकि अगर माँ बाप को मालूम पड़ गया, भनक भी लग गई, तो अगर रेप के चार्जेस में तो ये तो अंदर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, लाइफ खराब हो जाएगी, लाइफ का पूरा, इट विल बी ए स्टिग्मा ऑन देयर फोरहेड। एग्जैक्टली, तो बी केयरफुल सर। अगला प्रश्न ऐसा है, हमारे नई मुंबई के नागरिक है, उन्होंने किसी पे केस किया था, तो कितने बहुत सालों से वो केस का निकाल लग गया है, जयपुर में कोर्ट, जयपुर कोर्ट से केस का निकाल लग गया है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने वो निकाल लगाया जयपुर में 1998 में, और हैवी पनिशमेंट और कुछ फाइन्स वगैरह लगे। उनका बोलना ऐसा है कि लेकिन उसका जो जो विक्टिम है, ये हमारे जो दर्शक है विक्टिम है, जो कल्प्रिट है उसको अभी तक सजा नहीं मिला है, तो वो अपील में गया होगा, अपील में गया होगा, अपील में अगर एडमिट हो गई होगी तो उसको जब फाइनल हियरिंग होगी तब उसका नतीजा आ जाएगा, और कोर्ट को अगर लगेगा कि भाई ये गुनाहगार नहीं है तो छोड़ भी सकता है। और लेकिन इन्होंने, ये तो न्यू बॉम्बे के नागरिक हैं, और वो बंदा तो वहाँ पे जयपुर में केस आपका चल रहा है, तो पहले इनको फॉलोअप वहाँ करना चाहिए। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरे ख्याल से 98 से लेकर के आज तो पूरे 17 साल हो गए, तो 17 साल के अंदर इन्होंने वहाँ पे जा कर के क्या किया? तो अगर आपको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो आपको वहाँ पे जा कर के अप्लीकेशन करिए, जो भी करना है आपको थोड़ा समय और गुजारना पड़ेगा, तो आप खुद ही कह रहे हो कि मैं विक्टिमाइज हूँ, लेकिन आप भी तो अपने समय के हिसाब से आप खुद भी अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो, उनको भी फॉलोअप करना चाहिए, फॉलोअप करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, कोई भी महकमा है, आप जब तक स्वयं फॉलोअप नहीं करते हो कि भाई जब तक आप हाय तोबा नहीं बचाओगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे कोर्ट में जहाँ पे अपील पेंडिंग है वहाँ पे जाके अप्लीकेशन करिए कि भाई इसकी सुनवाई जल्दी की जाए, बिकॉज यू आर विक्टिमाइज, तो फिर कोर्ट जो फैसला देगा उसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये कह करके कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ और जयपुर में केस पेंडिंग है वो अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, तो आपको फॉलोअप करना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट के लॉयर को मिलो, प्रोसिक्यूटर को मिलो, वहाँ पे उनको बोलो भाई साहब ये हमारे में ये जो अपील है क्यों पेंडिंग है, डिपार्टमेंट में पता लगाओ, तो और प्लस थोड़े पैसे भी खर्चे करो वकीलों के ऊपर वहाँ पे जा करके, क्यों ऐसे तो कोई आज की तारीख में कोई भी काम कोई फ्री में तो होता नहीं है, तो इनकी भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड है मैं समझता हूँ, लेकिन अगर इनको न्याय चाहिए तो न्याय के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा, पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, नहीं दूध पिलाती है, तो आपको समझना चाहिए आपने करना, आपको आपका एक्चुअली फर्ज है कि आप अपने लिए लड़े, सीधी बात है ना। तो आपको एडवाइस मिल गया, हमारे वाजपेयी साहब का अनुभव का फायदा उठाइए। सर ये आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे दर्शक है वो कॉलेज स्टूडेंट, उनका प्रश्न आया हुआ है, उनका ऐसा बोलना है कि हमारे कॉलेज में दो ग्रुप है, तो दो ग्रुप में आपस में क्लैश हो गया है, मारामारी हुआ, झगड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो सामने वाले ग्रुप का किसी लड़के का इनके ग्रुप वाले ने मुंह तोड़ दिया, तो दांत वात सब टूट गया उसका, तो बोलते कि अभी हम लोग को डर लग रहा है कि अभी उन लोग हमारे पे क्या केस करेंगे, तो क्या करेंगे, तो अभी ये एडवाइस भी हम लोग से मांग रहे कि अभी हम लोग आगे करूं क्या, अभी ये अभी लड़ाई हुई है, कॉलेज में जाते हैं क्या पढ़ाई करने के लिए जाते हैं कि वहां पे मारामारी करने जाते हैं? आप सलाह तो आपको देना ही है, सलाह देनी है इसमें, आपने किसी का मुंह तोड़ दिया और आप बोले कि हमने गुनाह इतना बड़ा गुनाह कर दिया, धारा 324 और धारा 326 के अंदर अरेस्ट हो जाएंगे, पूरा करियर खत्म हो जाएगा, तो मेरी तो यह सलाह है कि ऐसे सब कामों में मत पड़े, और कॉलेज जाते हो माँ बाप को विश्वास होता है कि मेरा बेटा पढ़ाई करने गया है और तुम वो जा करके वहाँ पे ये सब करते हो, तो इनको बोलो कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि ऐसे सब ये सब काम मत करें, वहाँ पे जा करके ठीक से पढ़ाई करें,
आप ये देश के नौजवान हो, आपके आपके ऊपर पूरा देश का भविष्य टिका हुआ है, आपके मारामारी झगड़ा, आपके माँ बाप को आपसे बहुत सारी अपेक्षा है, इसके लिए आपको कॉलेज भेजती है, पढ़ाई करने भेजते हैं, और आप वहां जाके मारामारी झगड़ा करोगे तो ये देश का भविष्य तो खतरे में पड़ेगा, और आपका भविष्य भी खतरे में पड़ेगा, आपके माँ बाप को कितना दुख होगा। आप जाइए माँ बाप वहाँ कॉलेज में फीस मारामारी करने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए, गलत सलाह देने के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। तो भी आपको अच्छा सलाह हम लोग ये देंगे कि आप जाइए, वो सामने वाले ग्रुप में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश किए, उनके माँ बाप से मिलिए और किसी भी तरह से इस चीज को सॉल्व करिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए और देश के लिए कुछ सोचिए, देश का कुछ सोचिए, आप लोग देश के भविष्य हो, और देश आगे किस तरह से बढ़े, आप आगे किस तरह से माँ बाप के सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो सर आपने बहुत अच्छा सलाह दिया, तो इसके लिए कानूनी सलाह की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं, और सर ये प्रोग्राम इधर ही समाप्त करते हैं, और इसी तरह आप हमारा कार्यक्रम कानूनी सलाह देखते रहिए। कानूनी सलाह आपके और हमारी सुरक्षा के लिए। नमस्कार।